I like it. Look here. Look here, right now. Thank you. लेकिन यार तू गरम है और फूड वीडियो नहीं बना रहा राइट में राइट में पहले बोल गया ना हां स्कूल बोलिए और हेवी नहीं है हां मैम टर्न हो जाइए ना थोड़ा थैंक यू Thank you. Thank you. Yeah, center please. Your left. Yeah, yeah. Low सर यहाँ पे बटरफ्लाई हो रहे सर यहाँ पे विक्रम सर ये यहाँ पे सर स्टेट है सर नाम चला जिम्मे सर एक सिंगल एक साथ में अरे रुकना बहुत अंदर होएगा ना साथ में नहीं तो अंदर क्या होएगा समोसा खा के भाग जाएगा मैं कुछ बोलूँ उससे पहले तो हम माइक गाने हैं वो देख लेते हैं सब बात जो भी कहना है सुनना है गया तो है यहाँ से लेकिन रेडी चलो भैया दिखा दो और आगे वो एक बर्निंग इशू और मुझे लगता है कि कृष्णा ने ये भी क्योंकि मेरी बेटी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा काम किया और सर माफी चाहेंगे थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे कि एम्बियंस ही लेना पड़ेगा माइक है माइक अगर पॉसिबल है तो आवाज सुनो नहीं आ रही बोलने के लिए कैच कर लेते हैं ठीक है तो मैं काम करता हूँ बोलता ही नहीं हूँ मैं बोलिए प्लीज मैं जिन्होंने काम किया है एक्चुअली बुलाना चाहूँगा क्योंकि मैंने कहानी लिखी है लेकिन जो हिम्मत का काम किया है वो कृष्णा ने और ये दो लड़कियों ने किया है क्योंकि ऐसी कहानी बनाना ऐसी कहानी को ऐसी कहानी में इतने कन्विक्शन के साथ एक्ट करना
बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन मुझे ही एहसास दिलाना कि शायद एक्चुअली कुछ चक्कर चल रहा है। तो ये बड़ा ही कमाल काम किया है इन्होंने कि मैं भी कभी कभी इनके इंस्टाग्राम पे चला जाता हूँ, चक्कर तो है नहीं लेकिन वहाँ तो कोई कहानी मिली नहीं। कम कृष्णा, as I say, she is the lock of the old gym. और दीना जी आइए, please come. Real, please. अब ये हर लव स्टोरी में, ये मेरी लाइफ की तरह है, जब सब खत्म हो गया तभी। हेलो, हाँ तो हर एक लव स्टोरी में विलन्स तो होते हैं, तो एक विलन जो है प्रणव, जिसका चेहरा आपने प्रोमो में तो देखा, जिसका घिनौना चेहरा, वो ट्रैफिक में है। और जब भी यहाँ पे व्यू में कोई भी शो होता है तो आदमी फन रिपब्लिक के पास ही अटका हुआ होता है कि मैं फन रिपब्लिक के पास हूँ, कुछ आधे घंटे से वो ही है। लेकिन सॉरी आई डोंट नो योर नेम, तन्वी, तन्वी इज हियर, कम प्लीज। तन्वी इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स हु इज मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द शो, लेकिन विदाउट एनी टाइम वेस्ट प्लीज कम हियर। मैं माइक इन फ्यूचर जनरेशन को देना चाहूँगा क्योंकि आज का दिन इनका दिन है। आज का दिन is all about what they have been able to achieve, so feel free to ask them. I think you all can ask questions if you all want. Yeah, I'm sure they want to. Yeah. So how difficult was it to romance with them? Yeah, this is expected, you know. Sabka pehla question yehi hai, how did you kiss a girl? Of course it is difficult because you never imagined doing all of this. चैलेंजिंग था, बट कोई डाउट नहीं था जब कृष्णा ने स्टोरी नरेट की। आई थिंक कृष्णा इज हियर, मैंने वहीं पे कह दिया था यस आई एम डूइंग इट, आई जस्ट वांट टू नो हु इज द गर्ल प्लेइंग ऑपोजिट मी। एंड 20 मिनट्स, शी वाज द फास्टेस्ट, बोथ ऑफ देम एट 20 मिनट्स। यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस इज, राइट? नो, द गर्ल ऑपोजिट मी, उसके हिसाब से मैं लेसबियन बनूंगी। And then you know what that means further? That Nina convinced her to do it. No, I think I asked her the same question. Yeah, everybody wants to know who's the girl of the girl, not who's the guy. So, Krishna ji, don't you think the subject is very bold for Indian audiences? No, I. आई डोंट थिंक इट्स बोल्ड फॉर इंडियन ऑडियंसेस, बिकॉज आई थिंक हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने इंडियन ऑडियंसेस को। दे आर नॉट स्टूपिड और दे आर नॉट बैकवर्ड और ऑर्थोडॉक्स के हम लोग सोचते हैं कि दे आर नॉट रेडी फॉर ऑल दिस। दे आर एक्चुअली वेरी रेडी, एंड मैंने जो यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़े हैं, आई मीन दे आर सो एनकरेजिंग। देर आर सो मेनी पीपल हु वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस ओपनली बट कैन नॉट। तो आई थिंक इट्स नॉट टू बोल्ड, आई थिंक इट इज टाइम we don't underestimate how intelligent Indians are as heroes. Were you inspired by films like Maaya? No, I wasn't inspired by anything except the fact that two people can be in love no matter who they are, what they are, and you should not make a definition of normal based on what you think is normal. Love is love no matter where. So what next, your feature film? I don't know, Dad, next feature film? प्रोड्यूसर साहब से प्लीज बोलिएगा कि मुझे फीचर फिल्म देखना है। देखते हैं इसका रिपोर्ट क्या आता है। कहानी आपने लिखी जी, जरा बताएं किस तरीके से आगाज हुआ था माइक पे प्लीज। ये फोन किसका है? जैसे माया मन हमने बनाई थी, तो माया का जो ये फ्रेंचाइज है वो उसमें हम उस टैबू सब्जेक्ट्स पे बात करना चाह रहे हैं जिस पर कोई और बात नहीं करना चाह रहा। जैसे माया वन BDSM के ऊपर, माया टू सेम सेक्स रिलेशनशिप पे है,
लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग ये हंसी मजाक कर लेते हैं और हाउ वाज इट टू किस अ गर्ल ये सारी बातें कर लेते हैं, बट ऑन द सीरियस साइड मुझे लगता है कि हमने जब सबको इतनी आज़ादी दी है इस देश में, हर किस्म की आज़ादी है, आप अपना मज़हब फॉलो कर सकते हैं, आप अपना मज़हब प्रीच कर सकते हैं, आप आपके पास हर किस्म की आज़ादी है, सिर्फ इन लोगों के पास आज़ादी नहीं। और हमारा ये मानना है कि अगर हम कहते हैं कि जोड़ियाँ जो हैं वो ऊपर बनाई जाती हैं, स्वर्ग में बनाई जाती है, भगवान बनाता है, हमारे दिलों में प्यार जो है वो ऊपर वाला ही कहीं डालता है, तो अगर ये उसने ही हमें बनाया है और अगर उसने हमें ऐसा बनाया है तो फिर गलत कैसे हो सकता है। कानून अलग बात है, कानून पे विचार विमर्श अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है, देखिए कानून को बदलने वाले हम, कानून को बदलने के लिए और भी लोग हैं और नेताएं हैं, लेकिन हम अपनी सोच तो बदलें। मुझे दुख इस बात का होता है कि जब कोई प्रोमो आता है तो बहुत से अच्छे कमेंट्स आते हैं YouTube पे, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ऐसी लड़कियों को मार देना चाहिए, ऐसी लड़कियों को बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसी सोच क्यों, क्यों इनकी मर्जी नहीं चल सकती, ऐसा क्या है? तो ये जो ख्याल है वो मेरे मन में आया और मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सा कहने को है, एक अच्छी कहानी भी है और कहने को भी है, तो ये मेरे ख्याल से यही थी प्रेरणा इसके पीछे। विक्रम जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा जाने जाते हैं हॉरर फिल्म के लिए, तो आपने इस सब्जेक्ट का चयन कैसे किया? मैं क्या करूं यार, ये हॉरर फिल्म मेरे पीछे पड़ गई है। लेकिन अगर आप वी बी ऑन द वेब जो हमारा ऐप है उस पर जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें हॉरर कुछ है ही नहीं। अनटचेबल्स जो हमने बनाई वो एक कोर्टरूम ड्रामा है, माया 1, माया 2, ट्विस्टेड 1, ट्विस्टेड 2। तो मैं एज अ डायरेक्टर शायद हॉरर बनाना पसंद करता हूँ, या हॉरर चलती है तो लोग मेरे पास बनवाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ऐप का सवाल है, वहाँ अलग अलग डायरेक्टर हैं, कृष्णा है, अनुपम है, सिद्धांत है, तो उनकी अलग अलग पसंद है, और ऐप तो सब लोगों के लिए होता है, सिर्फ हॉरर फैंस के लिए नहीं होता। आप लोगों के लिए कितना चैलेंज था इस तरह से स्टोरी एक्टिंग करना? आई वुड से चैलेंज तो कोई भी रोल करो हर एक में चैलेंज होता है, आप कोई डिफरेंट रोल करो कुछ, बट इस ये ज़्यादा चैलेंजिंग था बिकॉज सेंसिटिव टॉपिक अगेन एज वेल लव स्टोरी, बट आई एम रियली हैप्पी कि मैं प्ले कर रही हूँ। आई थिंक मैंने ये डिसीजन लेने में आई वुड से मैक्सिमम आधा घंटा लिया होगा, तो मैं ये रोल कर रही हूँ, आई एम रियली हैप्पी, आई एम ग्लैड। In the same day we met Priyal and Leena, and in the same day they both asked the same question. We're meant to be together, you know. We're meant to play Maaya. Yeah. And that's Vikas. Villain bana sanskari. Aaj bhi maine villain wali harkat kari hai. To ye hai Pranav, ye hai Vikas, aur Pranav ke promos dekhe liye hain aapne ki kaise दो बेचारी लड़कियों का पूरा इस्तेमाल करता है यार। We believe that you have some terrible hate mail coming your way. Yes. Please tell them about that. जी तो ये वही मैं डर रहा था कि मुझे मुझे लोग मारे वारे नहीं, बिकॉज व्हाट्सएप मुझे इजिप्ट से भी सर एक मैसेज आया है, उसमें लिखा है वी हेट यू ऐसा करके, तो बट मैं रियल लाइफ में वैसा नहीं हूँ, मुझे सर विक्रम सर ऐसा बना देते हर शो में विलन बना देते, अदरवाइज आई एम नॉट लाइक दैट। और सर मेरी मम्मी को लगता है कि आपको मुझे इनोसेंट वाले रोल देने चाहिए, उन्होंने बोला इनोसेंटली तो कर रहा, बोली बॉर्न इनोसेंट मेड विलन। विक्रम जी आपकी नेक्स्ट फिल्म आदत के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं। विक्रम जी हाल ही में ऋषि कपूर जी ने एक
कमेंट किया था कि उन्होंने पूरे भट्ट खानदान के साथ काम किया है, तो ये गर्व की बात है आपकी, आप क्या कहेंगे? मेरे साथ नहीं किया, कपूर की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ माया में? कोई लेना देना नहीं है, इतना हमने मस्त लेस्बियन स्टोरी बनाया है। क्या आप लोग एक्साइटेड हो वेब सीरीज को देखने? लाल बोलेंगे, कमेंट हो जाएंगे लाल कुछ ज्यादा ही, सब लड़के तो हैं हम, जो तो ठीक है, अभी हम लोग बड़ा सोच के डू योर फोटोग्राफ्स एंड भैया ये ले आ, ये बहुत जरूरी है, फिर अलग अलग काट के छापना मत। फिलहाल वाचिंग करना पूछा सवाल काम ना सिस मालूम काम जा आगे जा क्या काम काम और क्या आ जाओ भाई काम आ जा भाई मैट नहीं मिली कौन बोला हाँ मेरा चुन जाएंगे रब लग तो मैं एक बात बताऊं, मैं ले इन तीनों का ले लो, पहला कर दे क्योंकि मैं भाग जाऊंगा।